बाबा जी देखिए आज मेरा ट्यूशन जाने को जी ना कर रहा, जुखाम सा बन रहा। जी चला जाओ, खुराक लेके जाओ, नसकेरन देमो। ए बाबा देखियो तुम सिकेरते अच्छे लगो, कोई कहा कहेगा तुमको कि ब्याह लाग पोता घर में बैठा रखो और बूढ़ा व्यक्ति सिकेरता डोले। बेटा तू मेरी इतनी फिकर करे बाबा जी। सुफेरे न्यार करने के ही तो बाबा मेरा सिर में दर्द हो रहा है और गोबर गिनने के ही तो मेरे कमर में दर्द हो रहा, अब बाबा वाला बन के दिखा रहा। ए बाबा थारी भलाई की कोई कितनी कर लो, तमें लगे उल्टी है, तमें तो ऐसा लगती रहे ना मैं अपने ब्याह के मार कर रहा हूँ। मोकू कोई कुछ ना कहे, सब तमको ही कहेंगे श्यामलाल को पोतो छिको पड़ो। जन्म दुखी कर राखो, पढ़ो ना जा रहा चुप। ए उत्ते थारो भी कोई टाइम ना, 20 मिनट होगी मो यहाँ खड़े खड़े। हाँ बात बनाएगी तू तो चाय परमठे मार का ही है ना। तो सु किसी ने मना करी, तू भी मारिया था। अरे मेरी माँ ना है अपने गांव को गई है, उनका भतीजे इनका ब्याह, और बाबा तीनों टाइम दलिया बना के दे दे मो। अब तो पता मैं इतना दुखी आ ली दलिया खा खा के, भीतर से मेरा लीवर भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जा। भैया तू खा मैं तुनू ही रख ले, मैं तो पानी पे ही जी लूंगा। ए तो उत्तर रो मतना, मैं लाई हूँ परामते खा लीजो तू। अरे ऐसा रोज रोज मांग के किसको खाएंगे, कोई परमानेंट जुगाड़ करवा दे ना। परमानेंट जुगाड़ कैसो? ऊना तेरी सहेली परी, मैंने सुनी वाक रिश्ता विश्ता टूट को कही है, घर देखना है, हमें रिजेक्ट कर गए। हाँ सुनी तो मैंने भी है, सही कह रहा हो तू। तो देख ले अब लोहा गरम है, मार दे थोड़ा देखियो। चल देख लूंगी मैं। तू बहुत बढ़िया लांडिया है ना, मैं वो कर लाई तू अपना होमवर्क। मेरा तो सारा होगा, मैंने तो सूत्र लगा दिए सारे, मैडम खुश हो जाएगी आज। हमारे तो रात भी बिजली ना आई। तुम्हारे तो बिजली ना आवे, ना पढ़ने के सौ बहाने। Oh no! खालिद ऐसा कहा हुआ जो तेरे चाचा श्यामलाल की दोस्ती में दरार आ गई। क्या बस लाऊं भैया, चाचा श्यामलाल घना होशियार बने, चाचा के मुझ पे 160 रुपए ही कर ले, 100 रुपए तो एक दिन मैंने नगद उधार ले लिया, 60 रुपए उनके दूध के, अब रोज मुझसे बुड्ढा तगादा कर रहा। मैंने कहा मिजान लग जाएगा तो दे दूंगा। अब एक दिन मैं अकरम के साथ में वो बाजार में रैली हो रही, मैं रैली में पहुंच गया, अब वहां पुलिस ने आकर मारपीट शुरू कर दी, लाठियां चल गई, मैं वहां से भाग निकला। अब भागने में मेरी जो एक चप्पल निकल कर गिर गई भाई रैली वाले मामले में। अब मैंने एक दो दिनों जाकर खोजी भी, वो चप्पल ना मिली। अब मेरे पास में एक ही चप्पल रह गई, मैंने उसे जाकर घर पे डाल दिया। अब चाचा श्यामलाल आता मुझ पर तगादा करने पैसों के लिए, उन्होंने वो चप्पल मेरी देख ली वहाँ पे। अब मुझसे बोले नुका यार खालिद, ये तेरी चप्पल फालतू ही पड़ी है, मेरी एक चप्पल की बद्दी टूट गई है, ये मुझे दे दे तू। मैंने कहा चाचा ले जाओ, क्या परेशानी है। अब चाचा श्यामलाल लिया। अब मैंने सोची, मैंने अंदाजा ये लगाया कि जो चाचा के 160 रुपए ही कर ले, ना जाने इस बद्दी में चाचा शर्म हजूरी मांगने का ना, पर चाचा तो करगा ना लाग पना, मुझसे फिर तगादा कर दिया। भाई मैंने बोलना छोड़ दिया, उनकी हरकतें देख कब बतलाओ गलत ना करा मेरे साथ। भाई ये तो गलत बात है चाचा श्यामलाल की। अजी क्या बूझो, होशियारी दिखलावे, घना बड़ा बनना अपने आप में, मत बोल हम भी ना बोल ले, हम का तेरे घर से लेकर खा रहे हैं, आप पहने घूम रहा चप्पलों को, हम घूम रहे नंगे पाम। चल रहा हूँ भैया, जरा बकरिया पता ना किधर निकल गई। रईस बनना अपने आप में रईस। ए परी अब देख, जो होना हो तो होगा, ब्याह तो करना ही है एक ना एक दिन तो, और थारी तो यू जान पहचान को भी है, और थारी गोत नोत भी ना भिड़ रही है, ब्याह तो हो ही जाएगा, और तो वो आके रिजेक्ट कर गए घर में ही, और यू तो सामने से रिश्ता मांग रहा ले ले, मैं तो कह रही हूँ उत्ती। कौन कह रहा वो रिजेक्ट कर गए? सुनी मैंने तो, वे एक नंबर के लालची थे, पहले तो कह रहे 1 रुपए का रिश्ता, फिर गाड़ी को मुंह फाड़न लगे। ना जी देखो गलत है,
है काय के लिए दिए इसका पूर्ति पड़े। हमारा तो रुचि एक सिद्धांत है, जहसू भी ब्याह करेंगे एक रुपया रिश्ता रखेंगे, हमें नौका की धन दौलत चाहिए है, जाने अपनी बेटी दे दी सब दे दियो, हमारा तो यही है बस मन में, बाकी ब्याह जोड़ी है जब होएगा। थारी सोच तो बढ़िया, अब बता परी तू का सोचा है, कितना बढ़िया लौंडा। मैं क्या बताऊं, तू कर ले हमारे घर में बात। पागल है तू, मैं कैसे कर सकूं थारे घर में बात, अपने आप कर ले। ब्याह तेरा और या का होएगा, तुम देखो अब क्या करना। बिचौलिया तो करे घर में बात। तो मैं बिचौलिया दिख रही हूँ, पता बिचौलिया कौन हूँ मैं, बड़े बूढ़े हूँ मैं, आदमी हूँ मैं, बीरबानी हूँ मैं, उन्हें कहिए बना बिचौलिया, मौका एक बना रही है। रुचि देखिए ऐसा कैसे बात बनेगी, मैं कहाँ सुलाऊंगा बिचौलिया आदमी और बीरबानी पकड़ के। सलाह मैं दूंगी पर बात तू ही करेगा। मैं कर लूंगा बात, तो बता कौन है। चाचा खालिद। ए चाचा खालिद से बात न बन पाएगी, मेरे बाबा की और चाचा खालिद की लड़ाई वड़ाई बज गई कई चप्पल की बद्दी वद्दी के चक्कर में, तो बोलचाल बंद चल रही है उनकी। देख ले अब तो अपना ब्याह करवाना हो तो इन दोनों की तो दोस्ती करवानी पड़ेगी, वरना बात ना बने। चल लगाऊंगा कोई जुगाड़, ब्याह तो देखो करना ही है तो करूंगा कोशिश। देख बिचौलिया तो मैं जो तेरा बन जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी ना, पर अपने बाबा का क्या करेगा वो तो मुझसे मुंह बनाए पड़ा। ए चाचा देखे बाबा तो तुम पटाई लेओगे, ए करवा दो मेरे को, मैं देखे हमारा भी घर बस जाएगा। अबे मुझसे ना पटने का वो, अब तू ही पटा सके उसे। मैं कैसे पटाऊंगा चाचा, वो रास्ता तुझे मैं बतलाए दे रहा हूँ। ठीक है चाचा, या को मैं तो मैं कर दूंगा। हाँ इस काम को कर तू, आगे मैं सिमार ले रहा हूँ फिर। अलख निरंजन, बच्चा है तू सज्जन। आ जाओ महाराज आ जाओ, सही कह रहे हो तुम, सज्जन ही हूँ मैं, आ जाओ। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, ना तुझको कोई हस हस, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, ना तुझको कोई हस हस, ना तेरा कोई दोस्त, ना तेरा कोई दोस्त दोस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। महाराज यू कहा कह लगे, मेरा नाम कोई दोस्त दोस्त है, तेरा एक दोस्त खालिद नाम का, बाकी सब बेकार इस जग में, बस वही एक काम का है ना। महाराज तुम कहा कह लगे ये बात, गलतफहमी है तो थारी, वो तो बहुत बड़ा बेईमान है। है मेरे शिष्य श्याम लाल, तू 160 रुपए तो बहा देगा पानी में, तुझे खालिद जैसा दोस्त नहीं मिलेगा इस भरी जवानी में। 160 रुपया की इन्हें कैसे पता। बाबा बाबा तब तो अंतर्यामी हो बाबा, बाबा जी बाबा। अब तू ए लाचार पिरानी मेरी एक बात जान ले, अपने दोस्त खालिद को मना ले, तेरे घर बजेंगी सहनाई, तू अपने लिए नए कपड़े बना ले, नए कपड़े बना ले। ए बाबा रुका तब्बा, तब तो दरिया लेकर बैठो, तब तेरे पोते को प्यार हुएगा, मारे घर में सहनाई बजेंगी। यहाँ तो दलिया खा खा के पहले ही पेट अफरो पड़ो। बाबा कहाँ गया यू, भूखा ना दिखाया, मैं तो खालिद पे फोन मिलाऊं पहले। हाँ चाचा। खालिद कहाँ तू चाचा, मेरा तुम्हारे दिल में। ओ लकबीरी वाले डायलॉग ना मत मार, ये बता कहाँ तू। ए चाचा ये तो रहा, इधर को देखो इधर को। ये तो रहा, न्यू को आजा, न्यू को कुछ बात करनी है तो।
अब चाचा बैठूंगा तुम्हारे पास कल लाके, कल बतलाऊंगा तुम्हों से। कल ला रहा हूं मैं तुम्हारे पोते के लिए रिश्ता वाली पार्टी ला रहा हूं, बहुत अच्छी वाली। अपना जो बैठने का इंतजाम चाचा अपने खरक में करवाओ। गांव में क्या रहता सब देख लेते हैं, नुका रिश्ता वाले आए चुगलियां लगती हैं, समझ रहे हो ना बात को, वहां करवाओ खरक में। ठीक है कल मिलता हूं चाचा। ठीक है मेरा जिगरिया, यू तो बढ़िया आदमी है, मैं तो यार गलत समझ रहे हो है, बाबा की भविष्यवाणी सही हो रही है। ओ जुल्फी उरे को आ जा, उरे को रुक बैठ जा। ए रुक जा अल्फा। हाँ जी बाबा जी। एक कहावत है, सौंप भी मर जा और लाठी भी ना टूटे। हमें सुबह को यही कहावत पे अमल कर दो। वो कैसे कैसे बाबा जी? रिश्ता भी हो जावे और खर्चा भी ना होवे। ए बाबा ऐसे कैसे हो सके बिना खर्चा के कैसा रिश्ता? बेटा जब कोई बाहर को आदमी आवे तो आपको पहले पानी को पूछो, वो मना करेगा पर तुम वहाँ पानी दे दो, लेकिन अगली बार जब चाय को पूछो वो अगली फिर सोचेगा अब कभी जो मेरे मना करते हैं चाय आ जाएगी, वो मना कर देगा लेकिन तुम्हें आपके चाय नहीं देनी है उसे। फायदे से चुप लगा जाओ, समझ गो? ए बाबा पर वे मेरे रिश्ता वाले हैं देखियो, फिर भी इमरजेंसी में अगर उन्हें कह दी कि हम चाय पियेंगे तो कम से कम चीनी तो होनी चाहिए घर में, तब मैं पैसा दे दियो मैं इमरजेंसी के मारे वैसे ला के धर लूंगा। Oh, no. तू बावड़ा था ना, जब घर में आ जाएगी तो हम फंकी मार देख जी कर आएगा, फिर वो पता चाय तो बना ही ना कर लू तो जरूर इतना हो मेरा, दिक्कत मत ले तू मत लियो। ठीक है जी बाबा जी। और सुन खरक में जो खाट पीछा कर लगू वही व्यवस्था कर बैठने की, और तन लत्ता अंदर ढंग के पहन लीजिए नंदा। ए बाबा मोपे कहाँ लत्ता नुक लत्ता ढंग के पहन लीजो, तेरी मौज ना भिजवाई पहरावनी उन्हें पहन लीजो। एक जोड़ी में पहरावनी के लत्ता उन पर नजर कड़ी रहे तुम्हारी, नू नौले थोड़े से पैसा दे के एक दो जोड़ी लत्ता बनवा दू, आपको तो बनवा लो नहीं लत्ता मोकू ना बनवा सको। अरे अंशु तन अपनी मम्मी जो हमारे यहाँ गीतन में भेज दी जा सौंज को। गीत काय बात के गीत गबरे थारे? अरे वो आज मेरे रिश्ता वाले आ रहे हैं ना तो सौंज को ना गवेंगे गीत बाखली होकर हैं जैसे। तू पागल तना, रिश्ता वाले आने पे कौन गीत गवा करे? तो फिर कसु गवेंगे? जब तेरी पीली चिट्ठी आएगी ना जब सुगाए देंगे। तो कोई बात ना, जब हमारी चिट्ठी आवे ना जब भेज दीजो, नौ तो आसुई मान लीजिए फिर बेर बेर ना आ जाओ मो पे। सुनाओ जी चौधरी साहब, रहा बीच में कोई परेशानी तो ना पड़ी? ना जी एकदम ठीक ठाक आए श्यामलाल जी। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। बेटा अमन पानी बोतल लेखा। लो जी बाबा जी सेला पानी। बहुत बढ़िया उरक दया। नमस्ते पमस्ते नकर। आप सभी को जी मेरा हाथ जोड़ी जोड़ा। जोड़ी जोड़ा जी जोड़ी जोड़ा। लो जी चौधरी साहब पानी। ना 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 मैं पियूंगा, हाथ करो ऐसे। लो जी लो। ना ना जी प्यास नहीं है। नहीं नहीं प्यास। ले भाई धरया। और सुनाओ चौधरी साहब चाय की बताओ, चाय पियोगे? देखो जी मैं तो तुमसे जो इतनी सी गुजारिश करूंगा, जब तुमसे चाचा श्यामलाल को चाय पानी के लिए पूछे ना तो तुम इनकार ना करना, जैसे ही कहे तुरंत हामी भन्नी नुगा पीऊंगा, खाने के लिए कहे तो नुगा खाऊंगा, वरना पानी भी ना पिलाने का।
आओ जी चाय तो पी लेंगे। मैं जो कह रहा हूँ गर्मी हो रही है, कभी चाय ठीक ना रहती ना गर्मी में। गर्मी है, गर्मी मारा है सोमलाल जी। बना ला तो भैया बना ला जा, और मीठा थोड़ा कम रहने दीजो, और बल्कि इतना कम रहने दीजो जो जांच ही ना पड़े मीठो है भी या ना। Oh, no. समझ गए बात है ना? हाँ जी बाबा जी, हल्का ही हल्का ही गेरूंगा। ज्यादा मीठे तो जो है ना शुगर हो जावे। ए चाचा, सूखी चाय मंगवा रहे हो? है बिस्कुट और दाल से हुआ और मंगवाओ। भाई खाली दाल से बिस्कुट तो है ना, हमारे दुकान पे उधार चले है, अब वाके उधार के पैसा ज्यादा हो रहे तो हमारे वहां उधार भी बंद कर रखो। अरे श्यामलाल जी, बिना नमकीन और बिस्किट के चाय कैसे बढ़िया लगेगी? रहन दे बेटा, मन रहन दे, चाय को मन कर रहे हैं। सही कह रहे हो चौधरी साहब, बिगर नमकीन बिस्कुटन के जो ना चाय सूखी पेट में तेजाब बनावे। अरे छोड़ो श्यामलाल जी चाय, आप ये बताओ लड़का यही है? ना जी, लौंडा मैं हूँ, यू तो मेरे बाबा। मजाक कर रहा हूँ मजाक, यू ये लौंडा यही है। अच्छा बेटा, आप कमाते क्या हो? अजी अभी तो जी मैं कुछ भी नहीं कमाता, अभी तो मैं पढ़ता हूँ, और ऐसी कोई कमाने की जरूरत सी भी ना पड़ती जी हमें, क्योंकि हमारे जो कोटा वाले पैसे तो हम राशन लिया हुए हैं जो सरकार की ओर से मिले करे, और जी हम पे डेढ़ बीघे खेत है, वो हमने काई पैसों लगान पे ले रखो। मतलब हाँ, तो और जी जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, तो मैं तो रहने लगूंगा घर, अपने जैसे घर में डोले करें ठाली ऐसे, फिर बाबा कर लगेंगे ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड की, जैसे पहले करे करे। हाँ जब घर में ठाली पड़ा रहूंगा तो कर लगे करूंगा, सोने के सब पैसा आवा के का दिक्कत है, यहाँ सोनो हो सोनो एक ही बात है, कर लेंगे। अच्छा सोमलाल जी, हमें आपका लड़का तो पसंद है, लेकिन आपकी मांग जांच क्या है? भाई चौधरी साहब, आपने भी बात गलत जगह पे गलत बोल दी, हमारी बस एक मांग जांच है, हमारी कहलाएंगे पांच आदमी, उन्होंने रोटी अच्छी मिल जाइए बस, और धन दौलत हमें काहे की चाहिए ना, और हमने तो अपने बालकन ने भी एक ही बात सिखाई है। बता भाई बता, कहाँ सिखाई है? अजी मेरे बाबा जी ये कहते हैं कि काहे के लिए दिए सो पूर्ति ना पड़े करती है, जाने अपनी बेटी दे दी ना, सब कुछ दे दिया जी। सुनी जी, हमें ना चाहिए काहे को कुछ भी, जाने अपनी लौंडिया दे दी, सब कुछ दे दियो, हम तो नहीं हाथ जोड़ के लियांगे बस। भाई आपकी सोच हमें बहुत बढ़िया लगी श्यामलाल जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। पर खालिद, तेना बहुत अच्छे आदमी से मिलवाए हैं, अनि हम तो डर रहे भैया कोई मांग जांच होगी, जैसा हमें मुआवजा मिला, क्यों हमने अपनी दोनों लौंडियान के ब्याह में भी गाड़ी दी, और हम तो यह लौंडिया अपने एक साइड में विदा कर देंगे, यू रिश्ता हमें मंजूर है। अरे भाई साहब मुआवजा मिल गया? हाँ वो 40 बीघे तो उठा लिया है, लेकिन अभी 30-35 और रह रहा है, तो उसे भी उठा लेंगे जल्दी। अब देखो चौधरी साहब, जो अपनी लौंडिया ब्याह कर रहे हैं ना, लेने देने में को कसर ना छोड़े करता हो, सब कुछ दे अपनी मर्जी थे, अब न्यू लगा लो जब मेरा ब्याह हुआ हो ना, तो लुड्डो जब आई ही पूरे गांव में सबसू मलुकनी, पर उई वाली बात होगी, वाकई बाप ने कुछ ना दियो वा, समझ रहे हो? अब जब उस शहर बाजार को जाए करी सवारी तो वहाँ टाइम ही ना, पैदल जाए करी, अब गाड़ी होती तो गाड़ी में जाती, पैदल जाते जाते काली पड़ गई, सब तक काली है, तयो भी वाके आगे मलूक लगे। अब देख लो अपना, और कहाँ गर्मी पड़ी रही है कुछ। ये बात आप सही कह रहे हो जी, गर्मी बहुत है। पर सोमलाल जी तुम कहना क्या चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही। चाचा जो तुम्हारे दिल में है ना, खुल के बतला दियो तुम ही ना।
ए बाबा जी तुम कैसी बातन ने कर रहे हो उल्टी सीधी ने उन्हीं बातन पे रहे हो ना जो तुमने मौज सिखाई नुक्काई के लिए दी जो पूर्ति न पड़ती जन बेटी दे दी सब दे दी जो सिखाई तुमने बाबा जी प्लीज थोड़े भो लिख रहा थोड़े जब बड़े बात कर रहे हो तो चुप लगा लिख रहे हैं अरे आप चुप रहिए ना आपके बाबा बात कर तो रहे हैं बोलिए जी बोलिए बोल नहीं कहा जी जो भी दो अपनी बेटियां दी जाओ तुम एक एसी बड्डो फ्रिज बड्डो जा मैं भी आ जाऊं पूरा और सारा फर्नीचर सबड़ो फर्नीचर और गाड़ी अगर बड्डी को मिजान हो सिपट करवा दीजिए और कहा अरे एक किलो सोना 11 किलो चांदी और ना चाहिए कुछ भी जो भी तुम अपने और फालतू दे अपनी बेटी है हमें स्वीकार रहेगा कोई दिक्कत ना हमारा तो जी 1 रुपया का रिश्ता शुरू से और आखिर तक हमें ना चाहिए और कुछ अब तो कुछ मांग जांच ना करिए मैंने जो भी कुछ मांगो इनकी बेटी को ही मांगो आपको ना मांगो कुछ भी हमारे तो 1 रुपया को बस हाँ जी हमें ना चाहिए काय का कुछ भी ओ भैया खालिद ये तो सिपट मांग रहे हम खुद आटो में बैठ गए हैं हम तो कहीं और लिपट ले लेंगे ये अपना रोम रोम भैया अब बाबा रोको तुम लोग भगा दिए ये भी मैं देख लिया तूने अपने बाबा को है दिखला दे जलालत ना दिखला दी हमारी भी बेइज्जती करवा रहे हो तुम दोनों इनों के हो रहे हैं ऐसे रिश्ते बातों को बनाते हैं बाबा पोते मिलकर इसलिए इनों से बात ना करता हूँ मैं अब मैंने कुछ मांगो पता उनकी लौंडिया को ही तो मांगो है मैंने आपको मांगो कोई बाबा तुम रह देख रहे हो छिकवा दोगे तुम उत्ते थारो भी कोई पता ना पूरे लालची होई तुम भी अरे मैंने कुछ भी ना कही उनसु वो तो बाबा के मुंह में सुली कट गई ऐसी बात भी कोई मुंह सुली करती होंगी हमें चला रहो अरे जब वे बाबा के सामने बेर बेर मुंह आप जो गा रहे तो कह दी बाबा ने फिर अपना और का ले लो तो रेल ए देखे रुचि कोई तो रास्ता बता देखियो चाचा खाली सुके वे जाके हाथ पांव जोड़ेंगे जुगाड़ निकाल देंगे मैं सही कह रही हूँ सही कह रही है चाचा खालिद पे धरता हूँ हाथ तन फोन दीजो अपना ले फोन करो उन पे मेरे फोन में रिचार्ज ना ये रुचि हरो तुम भी गरीब गुरु भाई दिखे हो भैया मैं तो तय कहूंगा मंसूर से पूछ कर बतला दीजिए सही से पैसे में अगर तुम ये बकरी बेचते हो तो दे दो मुझे चलो मैं अब्बू से पूछ कर बतलाऊंगा हाँ पूछ कर बतलाइए इसमें क्या परेशानी है पैसे देने तुम्हें बेचनी है मुझे लेनी है फोन किसका भाई भाई ये क्या कह रहे यार हाँ बे बतला चाचा मतलब चाचा जी मैं नो कह रहा चाचा जी देखे तो मेरी ओर सुन सो हाथ वाथ जोड़ कर माफी वाफी मांग लो कोई बात बन जावे अगर वे मान जावे तो भाई तू मुझे बाबला जानना खुद तो तुम हो ही जलील मुझे और जलील करवा दो ना उसे ए देखो चाचा जी तुम चाचा जी ना हो मेरे भाई मैं ना हूं किसी का चाचा पाचा भैया निका तेरा हो ना अपने आप जाकर माफी मांगू ना उसे मेरा क्या मतलब पड़ा और फोन को रख दे तू इसको काम की बात चलनी है मशीन से मैं बकरी का कर रहा हूँ सौदा आप अपनी टांग अड़ाई पड़ाओ काट दियो नु कह रहा अपने आप चला जाओ मेरा कहा मतलब पड़ाओ ए तो उत्ते चला जाए हमें का बुराई है घर बच जाएगा तेरा सही कह रहे चाचा खालिद जब बिगाड़ी तुमने तो सुधारोगे भी तो तुम ही ऐसे जाके मैं कहूंगा तो मान जाएगी और का मान जाएगी पर एक काम करियो पहली बार जा रहा हूँ कुछ लेके चलो जाइए कभी खाली हाथ ही डोलिया वहाँ तो मुँह पे तो पैसा भी ना फिर एक काम करूंगा ताऊ श्री चंद्र के बाग में जो ना ओमी लग रही है दोपहर को कोई ना रहे तो वही साफ करूंगा हाथ यही काम बचे हैं बस तुम पे यही मार तो ना हो रहे तुम्हारे भैया थोड़ी बोले कर मो पता हो तू काहे को आई है हमें दे रही है शिक्षा हमारे बिटोरा में सुपला लेना आई है जा ले जा मैंने कहने को मासू मैंने थोड़ी सी लकड़ी और जांच रखी है बिटोरा के पीछे ले जाऊं हाँ ले जा वे पीछे पड़ी है ढहचा के ले जा
चोटी दुनिया भर के हमें सलाह दे रही है। थोड़ी ले जाइए, कभी हमको भी ना छोड़े। गाजर का हलवा बनवाऊंगा, माँ आते ही। बहुत दिन से दलिया खा रहा हूँ। परी जी, हाथ जोड़ी जोड़ा जी। तू तू कैसा है यहाँ? अजी मैं सारी गलत फहमी ने सारे सिकवे गिले और जो भी कंफ्यूजन सा होगा ना अभी पीछे उन्हें दूर करने आओ जी। कई किलो दशहरी आम लेके चला जाए ना अपने आम आम को लेके। लालची बाबा के लालची पोते। ए देखे परी जी, ऐसा मत करो। देखे माफी दे दो, मैं बाबा की ओर से माफी मांग रहा हूँ। वो तो वादिन मेरे बाबा के मुँह में से निकल गई। तेरे बाबा छोटे बच्चे है क्या जो मुंह से निकल गई? ऐतन देखे ना मेरे बाबा, ए इतने सही तो हैं। तो तू तो था ना वहाँ पे, वैसे तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, और सामने आते फाड़ दे मुंह, गाड़ी भी चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ए देखे परी जी, मेरी हाथ जोड़े की है, अब कब कर राख लो, मैं सबका माफ कर दो। जिंदगी में भगवान कसम कभी भी कहने वाली बात ना छोड़ूंगा, कभी भी शिकायत ना मिलेगी। ए देखे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दो। तू कहाँ से छोटा भाई लगता है? कोई बात ना था, छोटा ना था जी, बड़ा भाई समझ के माफ कर दो। देखियो रुक जा, तू बहुत दूर से आया ना, तेरी चाय लाती हूँ। तो एक काम करियो जी, एक तो मीठा थोड़ा ज्यादा सा रखियो, हमारा ज्यादा चले चाय में मीठो, और अदरक लौंग इलायची और चाय पत्ती तेज सब ली चीज गेल लियो, मेरे जुकाम से बन रहो। दम पीड़ा उठे अज, दम पीड़ा उठे, दम पीड़ा उठे अज, दम पीड़ा उठे। Thank you.